महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। महाराजगंज सदर सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयमंगल कन्नौजिया, सिसवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल, पनियरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह, नौतनवा विधानसभा से बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी ने दर्ज की जीत। वहीं जनपद के फरेंदा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह से कांटे के मुकाबले में दर्ज की जीत। महाराजगंज के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा की जीत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की जीत जनता की जीत है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने दोनों सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसका नतीजा है कि बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सत्ताधारी पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराजगंज की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि जिन्होंने मोदी जी के और योगी जी के कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है। और मेरे वजह से नहीं, यहाँ की जनता की वजह से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की वजह से और हमारे प्रत्याशियों के, एक प्रत्याशी मेरे नए हैं, बाकी हमारे 4 प्रत्याशी पुराने थे, निश्चित तौर से उनके कार्य के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग देने का काम किया। नौतनवा में पहली बार जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नौतनवा में परिवर्तन 2014 से ही आना शुरू हो गया था। इसके पहले मैं 4 बार सांसद था, लेकिन सांसद तो मैं बन जाता था लेकिन नौतनवा हार जाता था। और 14 में नौतनवा की जनता ने हमें लोकसभा में भेजा, फिर 19 के चुनाव में भी भेजा, प्रमुख के चुनाव में भी भेजा। और मैं आप लोग से पहले भी कहा था कि ये मिथक टूटेगा। और वहाँ नौतनवा की जनता ने कहीं ना कहीं ये मिथक तोड़ी कि नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।